दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सचिन डे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूं कि अगर जो आप खुद से हार चुके हैं तो किस तरीके से जीत सकते हैं। तो दोस्तों एक ऋषभ नाम का लड़का था, उसे दौड़ने का और भागने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। उसने बचपन से ही यह शौक पाल लिया था कि वह मैराथन में हिस्सा लेगा और रेस को कंप्लीट करेगा, परंतु किसी भी रेस को वह पूरा नहीं कर पाता था। उसने कई बार मैराथन में हिस्सा ले चुका था। एक दिन उसके मन में क्या आया, उसने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अब के वह मैराथन में भाग लेकर के रेस को पूरी करेगा। ऋषभ ने कई बार कोशिश की और अब की बार दौड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे धावक आगे निकलने लगे उससे, मगर ऋषभ थक चुका था और वह रुक गया। दोस्तों जब वह रुक गया उसके मन में यह आया कि शायद मैं आज भी आगे नहीं निकल पाऊंगा और इस रेस को पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसने फिर से ठाना और उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जाकर गिर पड़ा और उसके चोट भी लग चुकी थी। लेकिन उसके मन में तो वो जिज्ञासा थी, उसने जो ठाना था कि आज मैं रेस को पूरा करके ही रहूँगा। उसने फिर से खुद से बोला, कैसे भी करके आज दौड़ को पूरा जरूर करूँगा। वह जीत करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था उन सभी से, लेकिन आज उसका विश्वास तो जीत चुका था। रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था, वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की जो मांसपेशियां थीं बहुत ही खींच चुकी थीं। लेकिन आज वह बहुत खुश हो गया, आज वह हार कर भी जीत गया। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर जो आपके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आप ये सोच करके छोड़ देते हैं, तो दोस्तों अगर जो आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर आप कम से कम 5 घंटे पढ़ कर के आप धीरे धीरे कोशिश करें और थोड़ा थोड़ा, अगर जो आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 5 घंटे पढ़ कर के ही इतना टाइम निकाल करके आप अपनी क्लास को पूरी कर सकते हैं और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो आप ऐसा लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन आप हार कर के भी दोस्तों जीत चुके होंगे। तो दोस्तों मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, कंटिन्यू।